एलोपैथिक और होम्योपैथिक टिंक्चर्स में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानें। होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स में प्रकृति के मूल तत्वों को मदर टिंक्चर्स के रूप में संभाल कर रखा जाता है। प्रकृति के मूल तत्व औषधीय गुणों से युक्त होते हैं, जिन्हें फिजिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है और उन्हें नष्ट नहीं होने दिया जाता, जिससे उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन ना आए और उनके शुद्ध औषधीय गुणों को जाना जा सके। परंतु एलोपैथिक मदर टिंक्चर्स इस तरह नहीं बनाए जाते। अधिकतर उनके लिए कृत्रिम प्रोसेसेस अपनाए जाते हैं और दवा के उन गुणों को ध्यान में रखा जाता है जिसका सीधा प्रभाव शरीर की फिजियोलॉजी या टिश्यूज़ पर पड़ता है। ये एक पर्टिकुलर पार्ट पर ही प्रभाव डालते हैं। होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स को इंटरनली मुंह से लिया भी जा सकता है, परंतु एलोपैथिक टिंक्चर्स को डायरेक्टली मुंह में नहीं लिया जा सकता। यह शरीर के ऊपरी भागों के लिए ही बनाए जाते हैं। मदर टिंक्चर्स कैसे तैयार किए जाते हैं? मदर टिंक्चर्स होम्योपैथिक फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथिक फार्माकोपिया में दी गई विधियों से तैयार किए जाते हैं। किसी वनस्पति, प्राणी या खनिज जगत के क्रूड मटेरियल जिनमें औषधीय गुण वाले भाग हों को उचित वातावरण में अल्कोहल की निश्चित मात्रा में मिला करके निश्चित समय के लिए निगरानी में रखा जाता है। फिर फिजिकल मेथड द्वारा फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट से मदर टिंक्चर्स को प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे औषधि के मूल गुणों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुख्यतः होम्योपैथी में वनस्पति जगत से मदर टिंक्चर्स को तैयार किया जाता है। यह मदर टिंक्चर्स शरीर आसानी से ग्रहण कर लेता है। मदर टिंक्चर्स का प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है? मदर टिंक्चर्स को मुंह से और त्वचा दोनों में लगा करके किया जा सकता है। इनको यह कह सकते हैं कि इनको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। रुई में भिगो करके त्वचा पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार मदर टिंक्चर्स क्रीम के फॉर्म में भी आते हैं, लोशन के फॉर्म में आते हैं, जिनको शरीर की ऊपरी सतह पर सीधे ही अप्लाई किया जा सकता है। मुख के भीतर लेने के लिए मदर टिंक्चर्स को जल में 5 से 15 बूंदों तक मिला लिया जाता है और उसे दिन में एक बार या जैसा होम्योपैथी फिजिशियन प्रिफर करें वैसे ले सकते हैं।